पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई से स्पेशल सेल की पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। स्पेशल सेल की पूछताछ में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बनाना चाहता था। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ चाहते थे कि मूसेवाला उसके लिए गाना गाए। कई बार इसके लिए लॉरेंस के गुर्गो ने सिद्धू मूसेवाला को धमकी भी दी थी। इसलिए सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बिया गैंग के संपर्क में आ गए थे। लॉरेंस का भाई अनमोल भी जांच के दायरे में है, लेकिन वो अभी ऑस्ट्रिया में है। जांच एजेंसियों के पास लॉरेंस बिश्नोई के कस्टडी से भगाने की साजिश के भी इनपुट हैं, इसलिए रिमांड और पेशी के दौरान उसे जबरदस्त सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। जांच एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिली है कि अगर उसे कभी कोर्ट से जमानत मिलती है तो वो विदेश भी भाग सकता है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार नॉर्थ ईस्ट राज्यों से यूपी के रास्ते शूटरों तक पहुंचा था। हाल की बड़ी वारदातों पर गौर करें तो पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहा है। ये शातिर गैंगस्टर सिर्फ अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर जबरन फिरौती और हत्या की प्लानिंग और साजिश में शामिल रहता है। एक गैंग का काम दूसरे गैंग से करवाता था और दूसरे का काम तीसरे गैंग से। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कुछ इस तरह से ही चलाता है। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।